हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, गोल क्या है। बहुत सुंदर क्वेश्चन जो सबके मस्तिष्क में नहीं आता, और जिस दिन जिसके मस्तिष्क में ये क्वेश्चन आना प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना कि उसी दिन से उसकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो रही है। क्योंकि ये क्वेश्चन आत्मा से रिलेटेड है और ये जीव के मस्तिष्क में तभी आ सकता है जब विशेष कृपा हो और वो आध्यात्मिक होने जा रहा हो, तभी ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, हु एम आई एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ। जब हम पर्पस की बात करते हैं या गोल की बात करते हैं, तो चलिए मैं आपके सामने एक क्विज रखती हूँ। क्विज मेरा ये है, हमें पहाड़ चढ़ना है, ओके, हमें पहाड़ चढ़ना है, तो पहाड़ चढ़ने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है मुझे बताइए। रविंद्र ने कहा कि आत्मविश्वास चाहिए, रोजी ने कहा स्ट्रेंथ, और डिजायर इच्छा, कुलकर्णी जी ने इच्छा बताया, और करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, निष्ठा, अच्छा, हमारे पास आइडिया होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है चढ़ने का, ओके, स्किल चाहिए, अच्छा, चढ़ने के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा वो चाहिए, और कोई, स्टेबिलिटी चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, और हाँ उन्होंने बताया विश्वास, भरोसा, हाँ चढ़ने के लिए नॉलेज होनी चाहिए कैसे चढ़ना है क्या है, और कुछ, उत्साह होना चाहिए, उत्साह नहीं होगा तो कैसे। अब मैं हाथ उठाती हूँ, आप सबने सारी चीजें बता दी, मैं कहती हूँ पहाड़ होना चाहिए, पहाड़ ही नहीं होगा आप इक्विपमेंट्स रख के क्या करोगे, करेज का क्या करोगे, ये सारी बातें जो आपने बताई, डिजायर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, बेनिफिट, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो कोई काम का नहीं है यदि आपका गोल ही नहीं है। यानी आप जहां जाना चाहते हैं वो स्पष्ट तो हो, वो पहाड़ तो होना चाहिए ना, तब तो चढ़ोगे। हमको, हम बहुत कामना बनाते हैं, कल बिल्कुल सवेरे उठ के मैं जिम जाऊंगा, ये हमने डिजायर बना लिया कि हम जिम जाएंगे और अपने आप को कम करेंगे, और सबसे पहले जाते हैं कहाँ, हम जाते हैं ड्रेस लेने मुझे कल से जिम जाना है तो पहले मैं ड्रेस खरीदूंगा, और एडिडास जाएंगे, प्यूमा जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, बेस्ट ब्रांडेड पहनेंगे, फिर हाथ में भी बेल्ट होना चाहिए, फिर यहाँ पर भी एक बेल्ट होना चाहिए, फिर मुझे वो प्रोटीन भी पीना है, हाँ पानी नहीं पिएंगे, सारी वही जो बेटा श्रेयस, इक्विपमेंट सारे, सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली, लेकिन वो चाह ही नहीं है, वो डिज़ायर ही नहीं है, और जब गए दो दिन के, अरे छोड़ो सब बेकार है, वो कपड़ा वहीं टंगा है, वो बेल्ट रो रही है बेचारी, मेरा ये कब आएगा मेरा नंबर, आदि आदि। सो कहने का तात्पर्य कि हम ये सारी चीज़ें एकत्रित कर लें, लेकिन जब तक गोल क्लियर नहीं होगा हमसे कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार
ये मानव देह है, जब तक हम ये समझे नहीं कि ह्यूमन बॉडी क्यों मिली है, यदि ह्यूमन बॉडी मिली है तो उसका पर्पस क्या है, क्या एक कुत्ते को मालूम है मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्या एक गधे को मालूम है, क्या एक गाय को मालूम है, क्या उन्होंने कभी अपने आप से क्वेश्चन किया कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है। मनुष्य ही क्यों सोच रहा है, आत्मा तो उनमें भी है, आहार विहार तो वो भी सब करते हैं, हम भी करते हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यही है, वो नहीं सोच पाते और हम सोच पाते हैं कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है। और जो नहीं सोच पाते तो फिर वो पशु के समान है। जो लोग नहीं सोच पा रहे कि उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड अस। अंतर मनुष्य रूपे जानवर में अंतर केवल इतना है कि उसके पास विवेक है, उसके पास विजडम है, उसके पास समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो डिस्टिंग्विश कर पाता है रॉन्ग और राइट में, वो लॉजिकली सोच पाता है, एनालिटिकल है। ये सारी बातें मनुष्य में हैं, इसीलिए वो सबसे श्रेष्ठ मैमल है, सबसे श्रेष्ठ जानवर है इस धरती पर। सब्सक्राइब करें राजेश्वरी देवी जी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिलते रहें लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले।